डेंगू फीवर एक संक्रमण है जो डेंगू वायरस की वजह से होता है। मच्छर डेंगू वायरस को फैलाते हैं। डेंगू फीवर को हड्डी तोड़ भी कहा जाता है, क्योंकि इस बुखार में हड्डियों में असहनीय दर्द होता है। डेंगू का समय पर उपचार बेहद जरूरी है। वैसे तो इसके लिए डॉक्टर से ही परामर्श करना चाहिए, लेकिन कुछ घरेलू उपाय भी हैं जो आपको डेंगू फीवर से बचने में मदद कर सकते हैं। आइए हम आपको सबसे पहले बताते हैं डेंगू बुखार के लक्षण के बारे में। तेज बुखार। डेंगू का सबसे प्रमुख लक्षण तेज बुखार है। डेंगू में 102 से 103 डिग्री फारेनहाइट तक बुखार आना आम बात है। बदन टूटना। डेंगू में ज्यादातर जोड़ों, मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द होता है। जी मिचलाना भी एक लक्षण है। डेंगू में आपको घबराहट भी काफी महसूस होती है। चकत्ते या रैशेज। डेंगू में छोटे लाल चकत्ते या रैशेज हो जाते हैं। इन रैशेज में कभी कभी खुजली भी होती है। आंख के पीछे दर्द। ज्यादातर डेंगू से पीड़ित लोग आंख के पीछे दर्द की शिकायत करते हैं। यह दर्द आंखों की मूवमेंट से बढ़ता है। थकान। डेंगू में थकावट महसूस होती है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। आइए अब हम आपको बताते हैं डेंगू जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के क्या उपाय हैं। विटामिन सी। खाने में जितना हो सके विटामिन सी से युक्त पदार्थों का सेवन करें। विटामिन सी आपको स्वस्थ रखने के साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा यह किसी भी प्रकार के संक्रमण को फैलने से भी रोकता है। हल्दी का प्रयोग। किसी भी रूप में खानपान में हल्दी का सेवन करें। सामान्यतः सब्जी या दाल में हल्दी का प्रयोग तो होता ही है। इसके अलावा आप चाहें तो हल्दी वाले दूध का सेवन कर सकते हैं। इसमें मौजूद एंटीबायोटिक तत्व आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर बीमारियों से आपकी रक्षा करते हैं। तुलसी और शहद का प्रयोग करने से भी डेंगू से बचाव किया जा सकता है। इसके लिए तुलसी को पानी में उबालकर इसमें शहद डालकर पिया जा सकता है। इसके अलावा आप काढ़ा या चाय में तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण बीमारियों से बचाव में सहायक है। पपीते के पत्ते। डेंगू के इलाज में पपीते की पत्तियां बेहतर इलाज के रूप में जानी जाती हैं। पपीते के पत्ते का रस निकालकर दिन में दो बार लगभग 2 से 3 चम्मच की मात्रा में लेने से डेंगू से बचाव किया जा सकता है। इसमें प्रोटीन से भरपूर पपेन नामक एंजाइम पाया जाता है जो पाचन शक्ति को ठीक करता है। इसके अलावा लाल रक्त कणों में भी वृद्धि करता है। अनार। डेंगू बुखार में शरीर में होने वाली रक्त की कमी और कमजोरी को दूर करने के लिए अनार का सेवन फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद विटामिन ई, सी, ए और फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट बेहद लाभप्रद साबित होते हैं। यह लाल रक्त कणों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो खून की कमी को पूरा करने में सहायक है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल मिल बिहार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।